इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि उन्होंने बीमारों को चंगाई देने वाले आश्चर्य कर्म देखे थे। यीशु एक पहाड़ पर चढ़ा और अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों की फसह का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक भीड़ को अपने पास आते देखा। भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने फिलिपुस को परखने जैसा कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करेगा। सबको थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाने को चांदी के 200 सिक्के भी कम पड़ जाएंगे। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर निश्चित रूप से इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब सारे लोग वहां बैठ गए। उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। यीशु ने रोटियां ली, परमेश्वर को धन्यवाद किया और बैठे हुए लोगों के बीच बांट दी। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर ले, कुछ भी बर्बाद ना हो। तो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया।